कहते हैं सोमवार के दिन की अष्टमी पढ़ने पर। कौन से दिन? सोमवार के दिन कौन सी तिथि थी? जम के बोलो बोलो अष्टमी। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पढ़े और उस दिन अगर पांच बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दिए जाए तो व्यक्ति जो सोचकर जिस कामना से जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाएगी। एक बात बहुत सुंदर है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कभी अगर मौका लगे सोमवार की अष्टमी पड़ जाए। क्या पड़ जाए सोमवार की? जम के बोलो जरा अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। प्रयास करना कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का, थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्ते से एक एक बूंद अगर दूध, आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की जम के बोलो शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए बेलपत्री के पत्ते से, तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नज़दीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद, एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवदी देव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींच कर आगे बढ़ा ही दे। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में, अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना देसी गाय का दूध, धीरे 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 समर्पित करना, भावों के साथ अब समर्पित करो देसी गाय का दूध, एक एक बूंद समर्पित करो, धीरे धीरे समर्पित करो। और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ते से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे बेलपत्री, वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहाँ से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहाँ पर होना चाहिए, कार्य में सफलता मिलती ही है। शिव तत्व को धारण, सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। पीला चंदन लगा लेना, कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन, जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए, इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 हैं, बोला था, बीच में
ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें माँ पार्वती के 64 योगनियां, माँ पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान होती हैं। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहाँ से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहाँ उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पड़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे, जम के बोलिए जरा, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। बात और आपसे कहेंगे, उतारिएगा, जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है, पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिकुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिकुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा नहीं। धीरे धीरे चमड़ी, परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर बनाना है, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ा दो, उसको लिया फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट में महादेव का नाम लिखना ना भूलें, हर हर महादेव तो लिख ही दें। देखिए करना क्या है आपको, जिस व्यक्ति के शरीर पर चर्म रोग है या कोई भी अन्य बीमारी है, तो उस व्यक्ति के लिए बहुत ही सरल उपाय बताया है प्रदीप मिश्रा जी ने। सिर्फ प्राण के उपाय हैं जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, कथा के उपाय हैं जिन उपायों को हम सरल तरीके से बताने का उपाय आपको कर रहे हैं। देखिए आप ढंग से समझ लीजिए, इस उपाय को ठीक से समझने का प्रयास कीजिए कि आपको करना क्या है, कि आपको सोमवार की अष्टमी को ही ये उपाय करना है, अन्यथा और किसी दिन नहीं हो सकता ये उपाय, सोमवार की अष्टमी के ही दिन हो सकता है। आपको जाना है शिव मंदिर जाना है और आपको लेके जाना है कोई भी सा चंदन हो, पीला हो, लाल हो, कोई भी चंदन हो, आप उस चंदन को लेके शिव जी के मंदिर जाना है। उस चंदन से शिव जी का आपको लेपन करना है। लेपन करते वक्त मंत्र का जाप अवश्य करें, कोई भी मंत्र आपको आता हो शिव जी का, उस एक मंत्र को आप जपते रहें, लेपन करते रहें, कम से कम 108 बार तो आप इस मंत्र का जाप कर ही लें।
जाप करने के बाद जब आपके 108 बार जाप हो जाएंगे तो उस लेपन जो आप जो लेपन कर रहे हैं शिव जी पर, उस लेपन को एक डिब्बी में भर लें। डिब्बी में भर लेंगे तो आपको आना है घर पर। घर पर जिस व्यक्ति को परेशानी है, चर्म रोग है या शरीर की अन्य कोई बीमारी है, उस पे आपको लेपन करना है। ये लेपन मात्र आपको 7 या 8 दिन तक करना है। जल्दी से जल्दी वो मतलब जो लेप है वो ख़त्म करना है, ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है आपको। शिव जी ने जो शक्ति है इसकी वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती हैं, ख़राब हो जाता है ज़्यादा दिन तक रखा हुआ। तो जितनी भी डिब्बी में जो आपने लेपन भरा था उस लेपन को 7 या 8 दिन तक भरे आप उसको लगा दीजिए। देखिए आप इस लेपन को आप लगा देते हैं तो वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी सही हो जाएगा। 15 दिन के अंदर वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी रह जाता है उसके शरीर पर चर्म रोग तो फिर से आप इस उपाय को कर सकते हैं और सोमवार की अष्टमी के दिन ही कर सकते हैं। वो व्यक्ति बिल्कुल अवश्य ही सही होगा। शिव प्राण के उपाय ही बताने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको सरल तरीके से। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथा में बता ही दिया है। आप इन उपायों को सुनने का प्रयास कीजिएगा, फिर इन उपायों को करना। एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखना ताकि आपके जो भी रोग हैं शरीर के वो बिल्कुल सही हो जाएं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं कमेंट में अवश्य हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। आप पर महादेव की कृपा बनी रहेगी, आपके हर मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी आपकी इच्छा है सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। नौकरी हो, व्यापार हो, धन की हानि हो, सब आपके दुख दर्द दूर करेंगे भोलेनाथ, आपकी सारी रक्षा करेंगे भोलेनाथ। आप उनकी कथा सुनिए, उनके उपाय कीजिए। हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, आपके सारे दुख दर्द दूर होते रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।